ये कहते हैं कि क्रिकेट में और सियासत में संकेतों के मायने बहुत बड़े होते हैं और आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना होता है। और अगर ये बिटवीन द लाइंस की कहानी को देखें तो एक कहानी निकल कर आती है ऋषभ पंत और सीएसके की। जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी के इर्द गिर्द इस वक्त ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं और जिस तरह की खबरें लगातार छन छन कर बाहर निकल कर आ रही हैं, उसके बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ऋषभ पंत सीएसके के अगले कैप्टन हो सकते हैं। पहले यह सवाल बहुत बड़ा है और यह सवाल अभी पूरी तरह से कयासों पर टिका पड़ा है, लेकिन क्रिकेट के जानकार ये कहते हैं कि कुछ भी इत्तफाकन नहीं होता है, हर चीज की एक प्लानिंग होती है। महेंद्र सिंह धोनी जो आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े ब्रांड हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि उनका यह आखिरी साल होगा, इसके बाद वो अगले साल खेलते नजर नहीं आएंगे। और धोनी के सक्सेसर के तौर पर अब तक सीएसके ने किसी को तैयार नहीं किया, ऋतुराज गायकवाड़ को तैयार नहीं किया गया। ऋषभ पंत के साथ उनकी मुलाकात, ऋषभ पंत के साथ उनका उठना बैठना और ऋषभ पंत और उनमें सिमिलैरिटीज होना, ऋषभ पंत का उनकी तरह विकेट कीपर बल्लेबाज होना, ऋषभ पंत का वो मैसिव फैन फॉलोइंग लेकर घूमना और चेन्नई जैसी बड़ी सुपर फ्रेंचाइज को जिस पर यह आरोप या डर लगता है कि धोनी के बाद लोग छितर जाएंगे, वहां ऋषभ पंत को लेकर ये बताता है कि इस धुएं में कहीं ना कहीं सच्चाई है। वैसे भी हम बार बार कहते हैं जहां आग लगती वहीं धुआं होता है। आपको याद होगा इस बीच खबर भी आई थी कि रोहित शर्मा को अप्रोच किया गया है दूसरी टीमों की तरफ से, दिल्ली की तरफ से, तब भी यह खबर है कि ये कहां से आ गया। हालांकि दिल्ली कैपिटल अभी इस बात को इंकार कर रही है कि ऋषभ पंत को किसी ने अप्रोच नहीं किया है, विच इज ट्रू। इस साल तो ऋषभ पंत दिल्ली के लिए खेलते नजर आएंगे, लेकिन यह माना जा रहा है और जितनी भी रिपोर्ट्स आई है, जितने भी इंडिया के बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जिनके सोर्सेस हैं या जो भी कहानी है, उनकी साइड से ये बात निकल कर आ रही है कि ऋषभ पंत को लेकर एक प्लानिंग चल रही है सीएसके की और उस प्लानिंग में शायद उनको शामिल कर लिया जाएगा। अभी तो फिलहाल 10 फ्रेंचाइज ने अपनी अपनी रिटेंशन जो किया उसमें ऋषभ पंत का नाम यहां पर था, धोनी वहां पर है। अब धोनी का सक्सेसर, इनिशियली इट वॉज रविंद्र जडेजा, एक सीजन ट्राई किया, वो सक्सेसफुल नहीं रहा और वो बहुत मुश्किल है कि उसे ट्राई किया जाएगा, तो वो डिनाई होता है। ऋतुराज गायकवाड़ से उम्मीद थी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ अगेन ही इज गेटिंग लेट बिकॉज ही इज 27 नाउ और 27 साल में अभी तक उनका टीम में जगह इंटरनेशनल लेवल पक्की नहीं हुई है, तो वो मैसिव फैन फॉलोइंग अभी नहीं उनकी है जो सीएसके जैसी बड़ी फ्रेंचाइज को पूरी तरह से होल्ड कर सके। ऋषभ पंत के साथ वो सारे एडवांटेज, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में जलवा तो बिखेरा, टेस्ट क्रिकेट में यार वनडे में तो अभी भी मुझे लगता है उन पर क्वेश्चंस हैं, वनडे T20 में उतना अच्छा नहीं उनका। टेस्ट क्रिकेट में जो T20 वाली पारी खेली उसने उनकी फैन बेस खड़ा कर दिया है और उनके इर्द गिर्द खबरें बनती रहती हैं। अब धोनी इस बार तो येलो जर्सी में आएंगे, लेकिन जब धोनी अगली बार जाएंगे तो फिर कौन आएगा? और एक कॉरपोरेट ऑफिस के तौर पर अगर आप देखोगे तो कई बार प्लानिंग हो जाती है, मुझे लगता है कि एक आइडियल रिप्लेसमेंट जो है वो हो जाएंगे क्योंकि कई साल वो खेल सकते हैं और महेंद्र सिंह धोनी से उनकी बनती भी, और महेंद्र सिंह धोनी यहां से हटने के बाद मेंटोर के तौर पर ही रहने वाले, वो सीएसके नहीं छोड़ने वाले। सीएसके में आई एम श्योर कि उनके स्टेक्स भी होंगे, सीएसके में वो रहेंगे और सीएसके से जुड़े रहेंगे। ऐसे में जितनी तस्वीरें निकल कर आती हैं महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत की, वो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि क्रिसमस मना रहे हैं, उससे पहले जा रहे हैं, लगातार बैक टू बैक आ रहे हैं, सो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट में हो सकता है। इस बार मुंबई का मन था हार्दिक पांड्या को लाने का, तो उन्होंने अपनी तिजोरी खोली, 115 करोड़ रुपया जो है वो खर्चा कर दिया, 15 करोड़ रुपए डायरेक्टली और 100 करोड़ रुपए बैकएंड से और फिर ट्रेड कर लिया। सेम कहानी जो है वो ऋषभ पंत के साथ हो सकती है कि ऋषभ पंत को ट्रेड करने के लिए यहां पर दिल्ली कैपिटल जो है उससे आपकी सीएसके कर ले, और अगर प्लेयर जाना चाहता है तो आप उसे रोक नहीं सकते, आप उसकी कीमत लगा सकते हैं और कीमत आईपीएल में हम जानते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। सो धोनी के रिटायरमेंट के बाद जो कहानी चल रही है कि सीएसके से वो जुड़ सकते हैं, वो केवल अफवाहों पर नहीं है, उसके कुछ ना कुछ डॉट्स जो हैं वो जुड़ते हुए नजर आते हैं और ये इशारा करते हैं कि ऐसा। और वैसे भी चाहे टीम इंडिया की बात भी की जाए, टीम इंडिया में भी जब धोनी रिटायर हुए थे धोनी की जगह ऋषभ पंत ने ली थी, सो अगर आईपीएल में भी वो करते हैं तो हैरानी नहीं होगी। बहुत सारे क्रिकेटर्स का भी ये मानना है जिन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि हेड टू हेड रिप्लेसमेंट जो है वो थाला के यही आते हैं, और अभी भी हाल फिलहाल में संडे को एक तस्वीर निकल कर आई थी, उसके पहले भी कई सारी तस्वीरें निकल कर आई थी। सो धोनी की जगह ऋषभ पंत का कैप्टन बनना 2025 में ये अब इत्तफाक नहीं है, ये काफ़ी हद तक
सच्चाई को लेकर कहानी चल रहा है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो फिर दिल्ली के लिए थोड़ा झटका होगा, क्योंकि ऋषभ पंत के लिए उन्होंने श्रेयस अय्यर को छोड़ा था। श्रेयस अय्यर उनके लिए कैप्टन थे, लेकिन उन्होंने अय्यर को छोड़ा और वो गए ऋषभ पंत पर। जब अय्यर चोटिल हुए थे एक सीजन इनको मौका मिला था, और अय्यर अब फिलहाल कोलकाता में। लेकिन यहाँ पर कहानी जो इनकी है, हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि ये कहानी पूरी तरह से बकवास हो कि ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं धोनी के साथ तो लोग कह रहे हैं सीएसके में, लेकिन इतना इत्तेफाक होता नहीं। अगर बैक टू बैक कहानी आ रही है और अगर आप थोड़ा सा सीरियसली सोचोगे तो ऋषभ पंत काफ़ी हद तक मैनेज, मतलब सीएसके के हिसाब से वो नज़र भी आता है, क्योंकि सीएसके एक बड़ी फ्रेंचाइज है। ऋषभ पंत आएंगे तो थोड़ा लाइमलाइट ज़्यादा हो जाएगी, वो धोनी वाला ऑरा उतना नहीं गिरेगा जितना बाकी किसी प्लेयर के आने पर होगा, क्योंकि बहुत लोगों को डर है कि अगर धोनी गए तो सीएसके की फैन फॉलोइंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वो उनका जलवा नहीं रहेगा जो आईपीएल में उनका जलवा अब तक देखने को मिलता रहा है। हमें लगा